हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे टोरेंट फार्मा स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टोरेंट फार्मा के बारे में। टोरेंट फार्मा का रेजिस्टेंस है था लगभग 2090 रुपये के आसपास, उसका ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें टारगेट क्या मिलेगा, पैटर्न कौन सा बना है, कब पैटर्न बना है, यहाँ पे कब पैटर्न बना है। ठीक है, अब कब पैटर्न जो बना है इसकी गहराई हम क्या मान सकते हैं, हम गहराई मान सकते हैं इसकी यहाँ से लगभग यहाँ तक, जो कि बनती है 14% के आसपास। इसको अगर हम 14% को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारा टारगेट मिलेगा। हमें टारगेट कितना मिल रहा है, 2450 के आसपास का। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि हम 2450 का टारगेट लेकर के चल सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी शुरू हुई है। जी हाँ, कहानी अभी शुरू हुई है। 2450 का हमने टारगेट मार्क कर दिया है डेली चार्ट फ्रेम पर। तो अब एक बार पुराने जो चार्ट्स हैं, बड़े चार्ट्स हैं, मंथली चार्ट है, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, तो मंथली चार्ट पर आपको स्टॉक बराबर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल का जो हाई था उसके आसपास आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है। और डेली चार्ट, सॉरी वीकली चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट पर भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, वही स्थिति है। क्या कप पैटर्न, कप पैटर्न वीकली चार्ट पर भी बना है, यानी कि डबल टाइम फ्रेम पर, दो टाइम फ्रेम पर एक साथ पैटर्न बना है। तो यहाँ से आपको बड़े चांसेस हैं और अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, तो आप इसमें मौका ना गवाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।